क्या दिवाली के बाद मन्नत छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं आर्यन खान? विवादों में छाए रहे बेटे के लिए शाहरुख और गौरी ने बनाया है मास्टर प्लान। जी हाँ, खबरों की माने तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 28 दिन बाद मन्नत में वापस लौटे आर्यन खान को एक बार फिर मन्नत से दूर करने का प्लान बनाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में फंसने के चलते हिरासत में कैद हुए थे, तो अब शाहरुख और गौरी ने अपने बेटे की मेंटल हेल्थ को देखते हुए उन्हें मीडिया, कैमरों की निगाहों और मन्नत से दूर रखने का फैसला किया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के परिवार पर छाए मुसीबतों के बादल छट चुके हैं। 28 दिन हिरासत में गुजारने के बाद आर्यन खान की मन्नत वापसी हो चुकी है। जेल की काल कोठरी में मुश्किल भरे दिन और रात गुजार कर आए 23 साल के आर्यन अब अपने आलीशान घर में रह रहे हैं। बेटे की चिंता में बेजार हुए जा रहे शाहरुख और गौरी खान ने भी चैन की सांस ली है। लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन दिवाली के कुछ दिन बाद ही मन्नत छोड़कर अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। शाहरुख खान चाहते हैं कि अब आर्यन खान कुछ वक्त तक मन्नत की बजाय कहीं और रहे। आर्यन के नए ठिकाने के तौर पर उन्होंने मुंबई से सटे अलीबाग को चुना है। अलीबाग में शाहरुख खान का अपना बीच हाउस है। दरअसल हाईकोर्ट से सशर्त जमानत पर रिहा हुए आर्यन खान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें से एक शर्त ये है कि वो बिना अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ सकते। गनीमत ये है कि अलीबाग में रहने के लिए आर्यन को किसी तरह की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे में आर्यन के लिए अलीबाग स्थित बीच हाउस परफेक्ट ठिकाना है। बता दें कि शाहरुख और गौरी खान ने आर्यन को मन्नत से अलीबाग शिफ्ट करने का फैसला बेहद सोच समझ कर लिया है। इस वक्त शाहरुख और गौरी यही चाहते हैं कि आर्यन जल्द से जल्द जेल में गुजारे उन मुश्किल दिनों को भूल जाएं। वो इस मेंटल ट्रॉमा से निकलकर अपनी नॉर्मल लाइफ की एक नई शुरुआत करें। ऐसे में शाहरुख और गौरी अपने बेटे को एक पीसफुल लाइफ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आर्यन ने जेल में जिन तकलीफों को सहा उन्हें पीछे छोड़कर वो अब आगे बढ़े। बता दें कि हाल ही में खबरें आई थी कि गौरी खान ने आर्यन के लिए कुछ स्पेशल काउंसलिंग सेशंस भी प्लान किए हैं। आर्यन की फिटनेस और डाइट का भी अब खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब शाहरुख ने बेटे के लिए एक अलग पर्सनल बॉडीगार्ड को रखने का फैसला किया है। कपल का मानना है कि अगर आर्यन के साथ कोई ऐसा शख्स होता जो 24 घंटे उन पर नजर रखे होता, तो शायद वो ऐसी मुसीबत में ना फंसते। इसके साथ ही आर्यन को अब कुछ वक्त के लिए मीडिया कवरेज से भी बचाकर रखा जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो अब आर्यन की सोशल लाइफ, सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके दोस्तों पर भी कड़ी नजर रखने का फैसला शाहरुख और गौरी खान ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।